गाइस एक बार माइनक्राफ्ट के अंदर एक छोटा सा जॉम्बी अपनी फैमिली के साथ रहता था और एक बार वो अपने घर के अंदर अपने फादर के साथ खेल रहा होता था और उसके फादर भी उसे काफ़ी अच्छी तरह से खिला रहे थे। और गाइस वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो गाइस खेलते टाइम इतना ज़्यादा खुश था, मतलब उसे कोई और कुछ भी चाहिए नहीं, मतलब उसे और कुछ नहीं चाहिए अपनी मॉम डैड के अलावा। जब उसकी मॉम देखती है कि हमारा बाहर जाने का टाइम हो चुका है, अब हम बाद में खेलेंगे लौट के आके, तब गाइस वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। और क्योंकि गाइस वो अपने साथ उस छोटे बच्चे को नहीं ले जा सकते, इसलिए वो लोग उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और वो दोनों लोग यानी कि उसके मॉम और डैड एक साथ माइनिंग करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको खाना वाना खाने के लिए और मतलब अपना बिजनेस करने के लिए माइनिंग तो उनको करनी पड़ेगी। अगर वो माइनिंग पे नहीं जाएंगे तो उनका काम घर नहीं चलने वाला। तो अब जो छोटा बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका है क्योंकि गाइस वो लोग उसको अपने साथ नहीं ले जाते हैं, और ले जाना भी चाहिए क्योंकि गाइस क्या पता कौन सा मॉब उसको मिल जाए फिर मॉम उसको मार दें, इसलिए गाइस उसकी मॉम उसको अपने साथ नहीं ले जाती हैं। और गाइस जब वो देखता है कि अरे ये लोग तो चले गए, मैं अकेला रह गया घर पे, और उसके जो मॉम डैड होते हैं गाइस उसके घर के पीछे ही एक प्यारी सी केव होती है, उस केव के अंदर वो लोग एक एक करके चले जाते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो पीछे एक विंडो से उन्हें चुपके से देख रहा होता है, भाई मतलब वो देख क्यों रहा होता है, क्योंकि गाइस उसको भी उसके उनके साथ जाना है, उसके साथ जाके माइनिंग करनी है, और उसको गाइस बाहर का मतलब बाहर की चीज़ देखने में बहुत मज़ा आता है। और गाइस अब वो बहुत ज़्यादा परेशान घर में अकेला है, और जब वो मतलब घर में आता है तो उस समय लात मारने लगता है, अब कहता है अब मैं क्या करूँ यार, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं बाहर जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, ऐसा छोटा बच्चा सोचने लगता है। लेकिन गाइस उसको गाइस बाहर जाते हुए काफ़ी डर लग रहा होता है क्योंकि बाहर काफ़ी सारे मॉब्स होते हैं ब्रो, और भाई अगर एक मॉब्स ने भी छोटे बच्चे को पकड़ा ना तो भाई इसका तो काम तमाम होने वाला है। और अब गाइस बेचारा छोटा बच्चा सो चुका है अब गाइस, क्योंकि गाइस बहुत उसे छोटा बच्चा है काफ़ी थक चुका था। जब वो गाइस सो रहा होता है उसी टाइम एक प्यारी सी रोशनी उसके पास आती है, मतलब एक स्टार टाइप की एक लाइट आती है उसके पास, और जब वो गाइस उस लाइट को देखने के लिए उठता है वो काफ़ी यार डर जाता है और बोलता है ओ माई गॉड ये कौन सी लाइट है, ओ माई गॉड ये क्या है, वॉट इज़ दिस, ओ माई गॉड इतनी प्यारा था यार ये, कितनी प्यारी है, मॉम आप कहाँ हो, मुझे कुछ मिला है, ओ मेरी मॉम तो माइनिंग पे गई है, मैं क्या करूँ यार, चलो मैं इसके पीछे जाके देखता हूँ कि आखिर ये है कौन सी चीज़ भाई, ये मेरे को बाहर लेकर आ रही है, लेकिन भाई अभी तो काफ़ी रात है, क्या मैं बाहर जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, ओ वो रही लाइट और वो रहा स्टार, मुझे इस स्टार को पकड़ना है, प्लीज़ मुझे इस स्टार को पकड़ना पड़ेगा, अगर मैंने इसको नहीं पकड़ा तो मैं बहुत अनलकी मैन हो जाऊंगा, तो जल्दी भागो इसको पीछे ये भाग ना जाए, रुको स्टार मैं आ रहा हूँ, स्टार रुको तो तुम भाग कहाँ पे रहे हो, दो मिनट तो रुक जाओ मेरे लिए प्लीज़, एक बार मेरे हाथ में तो आ जाओ फिर मैं तुमको कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़। तो कहाँ चला गया स्टार, हेलो स्टार तुम कहाँ पर हो। और गाइस उसके और एक ऐसे कोने में छुपा हुआ जो एक वॉल्फ होता है वो बैठा होता है जो कि ज़ॉम्बी को नहीं दिखता है, और फिर वो अचानक से गाइस ज़ॉम्बी के पीछे पड़ जाता है। आपका इस ज़ॉम्बी के पास बहुत ही बड़ी मुश्किल आ चुकी है, एंड गाइस अचानक से वो ज़ॉम्बी जो होता है वो उसको चकमा दे देता है, लेकिन गाइस उसके बावजूद भी गाइस वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, अब गाइस बहुत मुश्किल हो चुका है ज़ॉम्बी का बच रहा है क्योंकि ज़ॉम्बी के पास एक कार्ट है, अब गाइस ज़ॉम्बी कार्ट के अंदर बैठ चुका है, अब गाइस वो डॉग उससे नहीं ढूंढ पाएगा, तो गाइस अब डॉग दूर चला गया है और गाइस वो ज़ॉम्बी भी कार्ट के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन गाइस कहीं कार्ट आगे ना बढ़ जाए, अगर गाइस कार्ट आगे बढ़ी तो भाई ज़ॉम्बी भी जाने वाला है अंदर ही भाई, ओ माय गॉड कहीं कार्ट आगे ना बढ़ जाए, ओ नो नो भाई, मतलब काफ़ी गहरी केव है भाई, अगर इस केव के अंदर जा रहा है ज़ॉम्बी, नो भाई मेरे को तो लगा ही था कि भाई ये पक्का ये उसके अंदर जाने वाली केव के अंदर, तो भाई इस केव के अंदर ज़ॉम्बी ने एंटर तो कर दिया, लेकिन पता नहीं ज़ॉम्बी कहाँ जाने वाला है, लेकिन ज़ॉम्बी तो भाई वो स्टार को ढूंढ रहा था ना, फिर वो स्टार कहाँ पे गायब हो गया वो तो मेरे को भी नहीं पता भाई, तो आगे शायद मिलने वाला है स्टीव को। अब गाइस ज़ॉम्बी काफ़ी तेज़ी से भाई मतलब काफ़ी दुख भरे दर से वो इतनी दूर आके गिरा है, एंड उसको सामने गाइस वही स्टार दिखता है, एंड वो बोलता है कि ओ माय गॉड ये स्टार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज़ अब तो रुक जाओ मैं काफ़ी दूर तुम्हारे पीछे आ चुका हूँ, प्लीज़ ओ माय गॉड मैं गिर गया यार, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, ओ ये क्या था, ओ ये तो हेलमेट है, ये तो मेरे डैड का हेलमेट है शायद, ओ नो ये मेरे डैड का, बट मेरे डैड ठीक तो है ना, ओ नो यार मुझे बहुत डर, ओ ये कौन एरो मार रहा है मेरे, ओ स्केलेटन, ओ नो प्लीज़ स्केलेटन मुझे छोड़ दो प्लीज़ मैंने कुछ भी नहीं किया, चलो ये हेलमेट को लगा के मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ वरना ये लोग मेरे को भी मार देंगे, जल्दी भागो स्टार तुम मेरे पकड़ में आ जाओ प्लीज़ स्टार तुम मेरे पास आ जाओ। और भाई वो गाइस वहाँ पे जो स्केलेटन होते हैं ना वो ज़ॉम्बी के पीछे काफ़ी बुरी तरह से पड़ जाते हैं, और गाइस बेचारा ज़ॉम्बी अकेला होता है वो मतलब अपने मॉम डैड के बिना ही यहाँ पे आया होता है, और फिर उसको गाइस सामने एक बोर्ड दिखती है, उसी बोर्ड के अंदर वो स्टार भी होता है, वो सोचता है कि
क्या वो उस बोट के अंदर बैठ जाए? क्या गाइस इसको बोट के अंदर बैठना ठीक होगा? और गाइस ऊपर से उसके पीछे दो स्केलेटन भी आ रहे थे, तो उसके पास काफ़ी बड़ी मजबूरी थी उस बोट के अंदर बैठने की। अगर वो उस बोट के अंदर नहीं बैठेगा तो शायद वो गाइस उन स्केलेटन के तीर से मारा जाएगा। तो गाइस अब वो उस बोट के अंदर बैठ चुका है और गाइस पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, ये बात उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, क्योंकि गाइस ये एक पानी है, उस पानी से निकल के वो कहीं भी जा सकता है, शायद किसी डेजर्ट आइलैंड पे या कहीं भी। लेकिन गाइस जाने से पहले वो ऊपर ही कूद जाता है, वाह, क्योंकि गाइस पीछे आगे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था, ओ माय गॉड, अच्छा वो पहले ही कूद गया। तो गाइस जॉम्बी जो है वो एक प्यारी सी जगह पे कूद चुका है, जो स्टार है गाइस वो जॉम्बी के पास आ चुका है। तो क्या गाइस जॉम्बी स्टार को पकड़ पाएगा? अभी भी गाइस जॉम्बी स्टार को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन गाइस स्टार एकदम से गायब हो चुका है, ओ नो यार। और जो जॉम्बी है गाइस उसको एक पिकेक्स मिल चुकी है, वो पिकेक्स से गाइस यहाँ पे माइन कर रहा है, तो देखते हैं गाइस वो क्या माइन कर पाता है। उसने एक पत्थर यहाँ माइन कर लिया, वो दूसरे स्टोन के अंदर जा रहा है, तो शायद वो कुछ ना कुछ पक्का माइन करने वाला है। एंड गाइस वो माइन करते करते जहाँ पे जो स्टार इस मतलब जो स्टोन के अंदर घुस गया था वहीं पे आ चुका है। और गाइस इसे काफ़ी देर लगी है, काफ़ी मेहनत भी लगी है माइनिंग करने में, और वो काफ़ी तेज़ी से अंदर आ तो आ चुका है, बट जब वो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, स्टार कहाँ पे चला गया। और जैसे वो गाइस सामने देखता है, सामने गाइस उसके मॉम और डैड गाइस किसी ने उसको मार दिया होता है, और गाइस उसके मॉम डैड को मरा हुआ देख के गाइस वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड गाइस जो वो स्टार जो होता है वो शायद उसके मॉम डैड को कुछ ना कुछ कर रहा होता है, जिससे कि उसके मॉम डैड शायद ठीक होने वाले हैं, पता नहीं गाइस क्या होने वाला है उसके साथ। तो गाइस हाँ गाइस वो जो स्टार होता है गाइस उसने उसके मॉम डैड को जिंदा कर दिया, उन दोनों को, ओ माय गॉड, मतलब उसने उस स्टार ने गाइस छोटे जॉम्बी की हेल्प करी है। और फिर जॉम्बी गाइस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अपने डैड को देख के। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि उसकी मॉम अभी जिंदा नहीं हुई है, उसके सिर्फ डैड ही जिंदा हुए हैं, शायद गाइस उसकी मॉम मर चुकी है। लेकिन गाइस पीछे से एक और स्टार आता है एंड लेकिन और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर गाइस जो छोटा सा जॉम्बी होता है वो अपने डैड के साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और गाइस दूसरी तरफ गाइस उन लोगों पे अटैक करने के लिए दो जॉम्बी अलग से आ रहे होते हैं, और जैसे ही छोटा जॉम्बी उन लोग को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, हे जॉम्बी, तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी रुको, तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा TNT है, ये लो एक झटका 240 स्पॉट का, ये लो अभी तुमको बहुत मज़ा आने वाला है, आया मज़ा? तुमने मेरी मॉम को बहुत परेशान किया, मेरे डैड को बहुत परेशान किया है, और ये क्या हो रहा है डैड? डैड देखो यहाँ पर ये पत्थर कैसे गिर रहे हैं, डैड हम लोग सेफ तो है ना, क्या हम लोग मर जाएंगे? एंड गाइस जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा था, ओ माय गॉड, क्या ही सपना था यार, ऐसा सपना किसी को भी ना आए। जब वो देखता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है उसको सो के, मतलब वो सुबह काफ़ी लेट उठा है, उसको सपना देखने में काफ़ी टाइम लग गया, और जब वो सुबह उठता है देखता है उसकी मॉम और डैड तो एकदम सेफली अपने घर पे आ चुके हैं, वो भी काफ़ी सारी माइनिंग करने के बाद। और ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि गाइस उसने इतना गंदा सपना देखा है कि मतलब वो इस सपने को अपने सपने में भी सोच नहीं सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ये लोग अब बिल्कुल हैप्पी हैं, तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वैसे आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन होता है ना उसे उसे ऑल पे प्रेस कर लेना प्लीज़।